हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। आज मेरा पेपर था, मेरे कितने अटेम्प्ट हुए हैं पूरा वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, मैं पूरा भूल चुका हूँ क्या क्या आया था, तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ पेपर का कि कैसे पेपर आया था और मेरे कितने अटेम्प्ट हुए हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो, पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट लेवल का पेपर था लास्ट ईयर से, मुझे मॉडरेट लगा इस बार। स्पेशली जीए जो है मॉडरेट था। कहाँ से आया था मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा था। इसमें गलती मेरी ही है, मैंने जीए पढ़ा ही नहीं था, जहाँ से पढ़ा वहाँ से आया ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, जून मई फरवरी से भी क्वेश्चन थे, मतलब जीए जो था इस बार डिफिकल्ट था। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन कुछ कुछ जो क्वेश्चन थे वो डुएबल थे, स्कीम से और बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो डुएबल थे। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन थे, बट मैंने उतना नहीं पढ़ा था तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन इजी थे, जैसे कि एक मैकबुक का एड्रेस पूछा था, उसके ऑप्शन दिए गए थे, तो जिनको भी उसका आइडिया होगा वो डेफिनेटली कर सकते हैं। 50 का बाइनरी नंबर कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मतलब बाइनरी में 50 जो है क्या आएगा, 100 जो भी होता है ना वो देख लेना। वो देन जो थेरेसस या ऐसा कुछ होता है ना स्पेलिंग चेक करने के लिए, वो किस टैब में होता है ये मैं भूल गया था, ये क्या है तो देख लेना एक बार। वो रिव्यू टैब में होता है, एमएस वर्ड में। ठीक है, रिव्यू टैब में होता है। एंड शॉर्टकट पूछा गया था रन के लिए, रन के लिए कोई शॉर्टकट है क्या, रन कमांड जो होता है ना वो, उसके लिए शॉर्टकट पूछा गया था। यूनीवैक जो है ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और भी क्वेश्चन थे, मुझे उतना याद नहीं है। तो जीए में मैंने पूरे 50 कर दिया। ठीक है, मैंने सोचा कि भाई क्लियर तो होने वाला भी नहीं है, वैसे तो 50 कर दिया मैंने, अब देखते कितने नंबर आते हैं। तो रीजनिंग में मैंने किया है 43। ठीक है, मैथ्स में मैंने किया है 30 30, मैथ्स में मैंने 30 किया है। दो क्वेश्चन में जो है मैं थोड़ा डाउट में हूँ, क्योंकि वो डीआई जो था वो खतरनाक डीआई था। दो पाई चार्ट थे, इसमें मेल फीमेल और इसमें मेल मतलब बॉय। इसमें फीमेल निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अगर मैं फीमेल पहले ही निकाल लेता तो बहुत ज़्यादा इजी होता, लेकिन इसको मैंने बहुत लेंथी कर दिया और फिर टाइम अप हो गया तो मैं नहीं बना पाया इसको। ठीक है, बाकी एक और डीआई आया था उसको मैंने बनाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था उसको मैंने बनाया। एक सिंप्लीफिकेशन का छूट गया मेरे से, वो बना ही नहीं, उसका आंसर नहीं आ रहा था। एंड बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैंने बनाया। डीआई के क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक थे और अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन बहुत सही थे यार, मतलब मॉडरेट लेवल पेपर बोलूँगा मैं एकदम। तो 30 मैंने अटेम्प्ट किया है, इंग्लिश में वही 25 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया है और जीए में 50 कर लिया है। तो इस तरीके से मेरे अटेम्प्ट है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, पजल बहुत ईजी थे। एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, मतलब सबसे पहले जो है बड़ा अल्फ़ाबेट उठा रहा था और छोटे नंबर को रिवर्स करके लिख रहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी है, तो सबसे पहले डी को उठाएगा और 12 13 14 है तो सबसे पहले 12 को उठाएगा, उसको रिवर्स कर देगा 21, है ना, ऐसे लिखेगा, इस तरीके से था। तो ऐसे ही पूरा का पूरा इनपुट आउटपुट था। कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, सिलॉक्स नॉर्मल आया था और पजल भी बहुत ही नॉर्मल थी, इजीली आपसे बन गई होगी। बाकी जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे भाई, वो एकदम तगड़े लेवल के थे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे बहुत तगड़े लेवल के थे, उसको छोड़ना ही सही था मेरे हिसाब से, आंसर ही नहीं आ रहा था उसमें। 10 मिनट मेरे वेस्ट हो गए उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 3 क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी पूरा पेपर मेरा 10 मिनट पहले ही हो चुका था रीजनिंग का, बाकी के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने में काफ़ी समय गया। मतलब 3 जो क्वेश्चन थे ये क्रिटिकल रीजनिंग के, इनको सॉल्व करने में 10 मिनट चले गए, लेकिन तब भी मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया। डीप थिंकिंग लगेंगी इसके लिए। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, आरसी थोड़ा डिफिकल्ट लगा, देन पैराजम्बल तो ओके था। उसके बाद जो वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन थे ना, वो भी थोड़े ट्रिकी थे यार, बहुत ट्रिकी थे थोड़े बहुत। मैं इंग्लिश जो है ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा होगा। बाकी कुछ वर्ड दिए गए थे जैसे अडॉप्ट, ठीक है, रजिस्टर, इनके यूजेस दिए गए थे, 3 सेंटेंस दिए गए थे, उनमें से बताना था कि कौन सा सही यूज कर रहा है। बाकी फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे, एरर के क्वेश्चन थे, एरर के क्वेश्चन मतलब 4 5 सेंटेंस दिए गए थे, सही अपने को बताना था कौन सा सही है। बाकी एसे की अगर मैं बात करूँ तो एसे मैंने लिखा है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया क्योंकि कीबोर्ड मेरा जो है ख़राब था तो टाइम नहीं दे पाया।
लेटर में मेरे बहुत मिस्टेक हो रही थी, उसको सुधारने के चक्कर में टाइम ज़्यादा लेटर में चले गए। ऐसे मैंने लिखा जो कूलिंग डिवाइसेस है जैसे कि एसी वगैरह, ये शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में प्लानट को, जो इन्वायरमेंट है उसको देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर ऐसे लिखना था कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। तो इसमें मैंने छाप दिया पूरा, साइंस वाला स्टूडेंट हूँ, पूरा छाप दिया, एसी वेसी फ्रिज व्रुज फ्रिज वगैरह अल्ट्रावायलेट रेन ओजोन रेन सब छाप छाप दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद लेटर की अगर मैं बात करूँ तो लेटर मैंने लिखा है एचआर को, अपने कंपनी के एचआर को, कि भाई मुझे अपने जो पेरेंट्स हैं एल्डरली पेरेंट्स उनकी देखभाल करना है, तो उस पर मुझे एचआर को लेटर लिखना है कि भाई मेरा ट्रांसफ़र मेरे ही होम टाउन में कर दे। तो फिर मैंने कर दिया, मतलब लिख दिया पूरा का पूरा, अपना ही एड्रेस डाल दिया, अपने गांव का एड्रेस लिख दिया। मैं वैसे ही करता हूँ भाई लेटर लिखने के टाइम पे, मैं जो ज़्यादा इधर उधर का याद नहीं रखता, मैं अपने घर का एड्रेस लिख देता हूँ वहाँ पे सेंडर एड्रेस में, और रिसीवर एड्रेस में फिर वो आसपास का ही एड्रेस लिख देता हूँ बस, और कंपनी का नाम लिख दिया एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो इस तरीके से था, मैं सिर्फ पेपर देने गया था, मैं कुछ जो है पढ़ के नहीं गया था। अगर मैं जी के और कुछ पढ़ के जाता तो शायद ये पेपर निकल सकता था, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि निकलेगा करके। 50 मैंने अटेम्प्ट कर दिया, इसमें से मेरी एक्यूरेसी 0% है, मुझे लग रहा है कि 0% मेरी एक्यूरेसी डाल दिया मैंने। बहुत पढ़ा था यार जी के, नहीं आया मुझे समझ में, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ बहुत हो गया था। इतना ज़्यादा डेटा पढ़ना बहुत बेकार चीज़ है वो, मुझे ऐसा लगता है कि जी के पढ़ने का स्ट्रैटेजी मुझे चेंज करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा मैं रिटेन नहीं कर पाऊंगा यार। 3 3 घंटे का एक ही वीक का वीडियो, दिमाग फट जाएगा ऐसे से। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 160+ यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है रिटर्न का। तो अगर आपके 160 नंबर के आसपास आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका इजीली क्लियर हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर 160 भी लाए आपने और 50 नंबर इंटरव्यू में लाए, कितने होते हैं, 0 5 6 11 और ये 2, 210 नंबर होंगे, तो इसमें सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन 50 में 50 कैसे लाओगे, ठीक है, 50 में 50 कैसे लाओगे। तो इसके लिए 170 180 नंबर होना तो यहाँ पे कोई चांस है, ठीक है, नहीं तो फिर कोई चांस नहीं है यहाँ पे। पूरा कचरा कर दिया मैंने, है ना, चलो जान दो घर पे। कल IFSC एग्ज़ाम है, IFSCA इसका एग्ज़ाम मैं दूंगा, फॉर्म भर दिया, दे देता हूँ एग्ज़ाम, पढ़ाई मैंने कुछ नहीं किया, देखते क्या होता है। तो फिर परसों मैं वीडियो शायद अपलोड करूँगा घर जाके। तो एक छोटा सा अपडेट था, बाकी आप अपने अटेम्प्ट बताना कितने के अटेम्प्ट हुए हैं। आई होप आपके सारे के सारे अटेम्प्ट तो हुए ही होंगे। रीजनिंग में सबने पूरा किया होगा, मैथ्स में सबने पूरा किया होगा, इंग्लिश में सबने पूरा किया होगा, बस GK में ही थोड़ा बहुत बचे हुए होंगे, ठीक है। लेटर में मैंने पूरा वर्ड लिमिट किया, लेकिन एसे में मैं आधा ही लिख पाया, तो एसे का तो पता नहीं क्या होता है, तो लेकिन लेटर मैंने पूरा लिखा, ठीक है। तो ये छोटा सा था अपडेट, आई होप सारी चीज़ समझ में आई होगी। बाकी वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना।